हाय गाइस, वेलकम टू स्पार्क एडिट। दोस्तों, आज हम पिपसार्ट एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरीके की 26 जनवरी के ऊपर फोटो एडिटिंग करने वाले। इस तरह एडिटिंग में जितने बैकग्राउंड एंड पीएनजी लगने वाले, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फिर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम इस वीडियो को शुरू करते। हाय गाइस, सबसे पहले हम इस वाले बैकग्राउंड को पिपसार्ट एप्लीकेशन में ओपन करने वाले। इसके बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले। ऐड फोटोज पर आने के बाद हम इस वाली पत्थर की पीएनजी को लेने वाले और साथ साथ इंडिया के फ्लैग की पीएनजी को भी लेने वाले। सबसे पहले हम इस वाले पत्थर की पीएनजी को हम बड़ा करके कुछ इस तरह से हमारे बैकग्राउंड के ऊपर लगाने वाले। इसके बाद हम इंडिया के फ्लैग की पीएनजी को लेने वाले, इसे हम बड़ा करने वाले, अच्छे से सेट करने वाले। इसके बाद लेयर्स पर जाने वाले और मूव डाउन करने वाले। मूव डाउन करने की वजह से उस पत्थर के पीछे हमारे बैकग्राउंड जा चुका है। इसके बाद डन करने वाले। डन कर लेने के बाद हम ऐड फोटोज पर जाने वाले। इस बार हम हमारे मॉडल की पीएनजी को लेने वाले। मैंने इसका पहले से ही कटआउट करके रखा है। अगर आपको कटआउट करना नहीं आता है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद हम इरेज पर जाने वाले। इरेज पर जाने के बाद हम नीचे से ना इरेज करने वाले। ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हम झाड़ियों के पीछे हमारे नीचे पैर हमारा मर्च हो चुका है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। इस वजह से हमारे शेडो भी बनाना हम नहीं पड़ने वाला। इसके बाद ऐड फोटोज पर जाने वाले। ऐड फोटोज पर आने के बाद हम इन दो पीएनजी को लेने वाले। सबसे पहले हम इस वाली ब्लर पीएनजी को लेने वाले और इसे आगे की तरफ कुछ इस तरह से लगाने वाले। इसके बाद हम वंदे मातरम की टेक्स्ट पीएनजी को हम लेने वाले और इसे हम कोने में लगाने वाले कुछ इस तरह से। इसके बाद डन करने वाले। इसके बाद हम ड्रॉ टूल में जाने वाले और इस वाली फ़ोटो को सेव इमेज करने वाले। इसके बाद के एडिट हम लाइटरूम एप्लीकेशन में करने वाले। लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले हम लाइट करेक्शन करने वाले। फोटो के एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले, हाईलाइट्स को डिक्रीज करने वाले, शेडोज को हम इंक्रीज करने वाले, वाइट को डिक्रीज करने वाले और ब्लैक को इंक्रीज करने वाले। इसके बाद हम कलर करेक्शन करने वाले। फोटो में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करने वाले और टिंट को डिक्रीज करने वाले, वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले और सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करने वाले। इसके बाद हम मिक्स टूल पर जाने वाले। मिक्स टूल पर आने के बाद रेड कलर के हम सैचुरेशन को इंक्रीज करने वाले, ऑरेंज कलर के हम सैचुरेशन को कम करने वाले और लुमिनेंस को इंक्रीज करने वाले। इसके बाद हम येलो कलर पर आने वाले। येलो कलर के हम सैचुरेशन को इंक्रीज करने वाले। ग्रीन कलर पर आने वाले। ग्रीन कलर के हम सैचुरेशन को ह्यू को कम करने वाले। इसके बाद सीएन कलर पर आने वाले। सीएन कलर के हम ह्यू और सैचुरेशन को दोनों को इंक्रीज करने वाले। ब्लू कलर पर आने वाले। ब्लू कलर के हम ह्यू को माइनस रखने वाले और सैचुरेशन को इंक्रीज करने वाले। इस तरह से करने वाले। ये हमारे स्काई के लिए करने वाले और इस बार डन करने वाले। डन कर लेने के बाद हम नीचे वाले ऑप्शन पर आने वाले। नीचे वाले ऑप्शन पर आने के बाद फोटो में क्लैरिटी को हम इंक्रीज करने वाले हैं, साथ साथ फोटो में टेक्स्चर्स को भी हम इंक्रीज करने वाले हैं और फोटो में विग्नेट इफेक्ट हम डालने वाले हैं, तो विग्नेट को कम करने वाले। इसके बाद फोटो में ग्रीन अमाउंट को बढ़ाने वाले, इससे हमारे फोटो में नेचुरल नॉइस आने वाला है। इसके बाद हम शार्पनेस को हम इंक्रीज करने वाले। इसके बाद मास्किंग को हम बढ़ाने वाले और सिर्फ हमारे एजेस पर हम शार्पनेस रखने वाले। इसके बाद हम नॉइस रिडक्शन को बढ़ाने वाले, इससे हमारे फोटो में जितना भी नॉइस हो निकल जाने वाला है। इसके बाद हम सिलेक्टिव टूल्स में आने वाले। सिलेक्टिव टूल्स लाइटरूम के मोल्ड वर्जन में आता है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इसके बाद हम इसे ग्रेनेड लेने वाले और हम फोटो के नीचे से मारने वाले और एक्सपोजर को कम करने वाले और साथ साथ क्लैरिटी को भी इंक्रीज करने वाले। तो फिर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी फोटो एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री।